और रामचंद्र भगवान की। भक्तों कोई तकनीकी प्रॉब्लम के कारण बंद हो गया तो लाइट कोटा नेट की समस्या आती है कोटा कोई है कोई बात नहीं अपने आप में तो है नहीं है? तो अभी आपको पासी हरे राम भजन
कतरी अच्छी बात बताई है गुरु महाराज है कबीरदास जी, राम भजन गुण गाय ले जब तक सुखी है शरीर, वो शरीर सुखी है बटे तक हरि भजन करनो वेद को कर लो पचे कोई नहीं वे। अंबाराम जी पटेल जय ओसा धन्य ओसा। तो ऐसी भक्तों लावो ले लो रे भक्ति रो अवसर मिले न बारंबार। स्वरासी रो शक्कर एक बड़ा पुड़ियो नी पाचो दुबारा वो मानुष तन नहीं मिले। बस भक्ति रो लावो और भगवान मिलन रे वास्ते वो एक मानुष तन रे वर वही से जमारो है। स्वरास लाख जीवा जून रे मैंने सर्वश्रेष्ठ और सर्व उत्तम ओमो को हाथ मुंह नहीं घमावना। संसारी भौतिक चीजों रो उपयोग की दौरे बादरे में भी अभी क्षणिक समय निकाली ने ईश्वर रो भजन करना ज्यादा नहीं अलबत्ता यानी कि भले थी कम ही निकलो मगर परमात्र ये आनंद लेके देखो संतो। और आप तो ले लिया हो एंड में कोई दोरा नहीं है अपन भक्त मंडली तो सराबोर है भक्ति रमाई ने मुझे विश्वास है 101% नहीं 1001% मने भरोसा है विश्वास है कि जो भक्तगण शब्द प्यासी है सब अगर शब्द प्यासी नहीं बेता तो अनमाने कमेंट आता जो भी है जो लड़ो है तो टूट जाती जो गणित आवे पर गणित रे में मान लो 500 आया 700 आया तो 500 में जो 600 600 में जो 300 300 200 200 150 बिता मगर दिन बे दिन दिन दुगना और रात 6 गुनी बढ़े रही है। और बढ़ सकने भक्तगण खुद भी है तो राम रस रो आनंद ले लिया है और औरों ने भी आप रे सहयोगी है उन्होंने भी आप है जो जोड़े लिया हो। मैं एक ने नहीं जोड़ियो मैं तो खाली भजन बोले रही हूँ बाकी आ कड़ी कड़ी जुड़े रिया है जो आप भक्तगण जुड़े रिया हो आप मेहनत रंग ला रही है। मैं तो सिर्फ कोई नहीं है बट भजन बोलू बटे बाकी आप एक एक बट छड़ ने सब जना है जो को मिले ने आपने जो भी सहयोगी है उन्होंने सबों ने आप कह दिया हो कि भाई सत्संग रे मैंने जो को पधारो और है जो को मतलब लाभो लो भक्ति रो धन्य हो। कमेंट शेयर वगैरह में देखूं तुम्हारे हृदय गदगद में जाकर भक्तगण कतरी ये अपनापन कैसा समझ के अपने सत्संग एक मतलब और समझ के नहीं सॉरी अपनापन है क्या आप और यह सत्संग है और अन सत्संग में ज्यादा से ज्यादा भक्तगण अन्न मैंने लाभ लेवे। कोरोना काल समय तो अपने दे दियो है मगर समय का सदुपयोग करना ये अपने हाथ में है। मैं मानू अगर कोरोना की स्थिति नहीं वे तो इन टाइम में अपने व्यापारियों ने नहीं तो मने भजन करवाने टाइम मिले और ना आपने भी है जो को हुनवाने टाइम मिले क्योंकि अबे लड़ा तड़ पड़े 8 बजे आए मज गिरेगी टाइम यहाँ पर है अपने समय नहीं मिले बिल्कुल सब अपी व्यापारी सब कुछ दे सको बाकी समय नहीं दे सको मगर अभी तो अपने पास समय है तो समय है तो समय का सदुपयोग करो इसका आनंद आप ले रहे हैं। अपने सत्संग में जितना भी भक्तगण सब सत्संग में आवे आप खुद आप रे माते एक आजमाइन देखो अपो अबे सत्संग करे रिया हूं आज सत्संग अभी करे रिया हूं अन सत्संग रही है देखो तरंग अपर दिमाग रे मैंने काले सुबह काले सोमवार अंत टाइम तक ही अपर वा तरंग बने क्षणिक वो बाकी आग घूमती रहे सबर ही रहे आप खुद आप महसूस करो और आप तो महसूस करे रही आपने ध्यान ही दे जरी तो आप जोड़ी रिया हो नहीं आप थोड़े जोड़ता देखो और ने भी की जोड़ता क्योंकि आपने भी एंड मैंने बड़ो इंटरेस्ट और अच्छी है जो को मतलब लागो जरे और भी दूजो ने भी साथी ने जो को कह रिया हो कि भाई ये जो सत्संग अच्छी है और सब जन आवे ने एंड मैंने भाग लो दो घंटा अभी सत्संग करो दो ढाई घंटा सत्संग करो बाकी रात रो अभी हुतर बादरे में भी शांतता नींद आवे अपने सुबह उठो तो ही अपर दिन रा अपर धंधा मात्र लागो रे बादरे में भी अपर है जो को भले क्षणिक वो बाकी बढ़नो है जो को अपर ऐसा सत्संग रो दिमाग रे माने आले और वैसी अपने सिद्धांत बन जाता है संत ये तो संगत है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन जैसे पियोगे पानी वैसा पिएगे बोलेंगे वाणी
वैसा करोगे संग वैसा हो जाएगा आपका रंग, जैसा करोगे संग वैसा बन जाएगा आपका रंग। रंग यानी कि मतलब कालो गोरो नहीं रहे, मगर रंग काना अपर सिद्धांत हो रहा रंग। तो सत्संग मैंने पूरा दिन आप सत्संग मैंने आए तो मतलब दिन में आप आपरो धंधो करो व्यवसाय करो, मगर आप एक मतलब 0.1% रहो बाकी आपरे दिमाग में रहे। और 4-5 बजे बाद रे मैं तो हर एक ने आई बैगों पर सत्संग चालू वे दे जाऊ। धन्य हो संतो आपने दिन गड़ी दिन पा, आप खूब मेहनत करी रिया हो और खाओ खूब है जो भक्तों ने जोड़ी रिया हो। और मने आशा है का ऊपर ही भक्त मंडली क्यों कि अगर आपकी मेहनत रंग नहीं लगी देती तो 2-4 दिन सत्संग करी ने पता मुझे आप ही बंद बंद कर दो। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है तो फिर सुनाने वाला किसको सुनाएगा। लेकिन तो ये मेहनत आपकी रंग ला रही है। बोले वृंदावन महाराज की जय हो। तो ईश्वर से प्रेम भक्ति भाव तो एक भजन में मैंने ईश्वर हूं कैसी वे क्यों ईश्वर मिलना है तो बस ये हरि की जाजा में सत्संग यानी कि मतलब हरि का निवास और वहीं पे मिलता है। अब एक पोस्ट कार्ड लिखो या कागज लिखो मगर जन्ने मरने माते एड्रेस लिखो नहीं जरे वो डाकू बराबर उन्हें एड्रेस माते लेके नहीं दे लेकिन तो बस ये अपना जीवन एक लेटर है और उसके ऊपर हरि का नाम लिख दिया और हरि कहाँ मिलेगा एड्रेस किधर है सत्संग परमात्मा सत्संग भी जाजम माते ही थे क्यों कर हरि ने भी ये तो बड़ी सत्संग
निभाना ही पड़ता है। रामायण में ढूंढा तूने
समझने वाला राधे, सबसे बड़ा अनमोल जो मानव सन अपने को अनमोल मिला है, लेकिन इस अनमोल को समझने वाला चाहिए। ये परमात्मा ने अपने को जीवन दे दिया है अनुमोल, अब जीने की कला तो भक्ति भाव और ईश्वर से और गुरु की शरण से मिलती है।
भक्ति कल्पना है एक है? श्याम तुझे मिलने का सत्संग का बहाना है। हे भगवान, आप सही एड्रेस तो सत्संग मैंने है, क्योंकि पक्की बात विश्वास है कि जैसे सत्संग में बैठे हरिरो निवास है, अभी कौन का हरीरी जज में सत्संग में जाने आदमी बैठे, अगर कोई भी थोड़ी बहुत किन ट्रापी हरकत कोई करे तो पट दुजोड़ो की ए सत्संग में आयोड़ो थोड़ी हिसाब वाल, कितनी सत्संग की मर्यादा, क्यों? क्योंकि वहां पे हरि का निवास है, परम पिता परमेश्वर वहां पे बैठे हैं, जन्मो जन्म रा पिता वहां पर बैठे बैठा है, परम पिता परमेश्वर। ये पिता तो जो अपरा जन्मदाता रहा मृत्यु लोग रहा है पिता, ये तो एक जन्म रह जे, मगर जो वे है वे परम पिता, यानी कि जन्मो जन्म रा पिता है, परम पिता परमेश्वर है। ओम प्रकाश पटेल कमोका बाड़ा धन्य होशा, भैराराम पटेल धन्य होशा भक्तों। तो ऐसी होती है भक्तों भगवान के प्रति प्रेम प्रीत, प्रीत नहीं करोगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और पिकनी हाथी दोस्ती करो, और पकड़ने हाथी रिश्तों करो, और पकड़ने हाथी अच्छो व्यवहार रखो, जरे वो अपन ने बार बार याद करे, करे कि नहीं करे, और अपने हाथी रिश्तों खराब कर दो तो वो आदमी समाराम जी चौधरी धन्य होशा, भाकर जी देवासी नवगर धन्य होशा, सुरेश भाई देवासी नवगर धन्य होशा, समाराम जी चौधरी समस्त भक्तगण ने मारा दंडवत प्रणाम, भक्तों अपरी राम सभा समस्त सत्संग मैंने बैठा बड़े सत्संग आनंद ले लिया है, पूर्वला भागे जरो अपने सत्संग मिली है, ऐसा नहीं मिलता। राम बुलावा भेजिया देख कबीरा रोए, कबीरदास जी ने जो बुलावो भेजियो भगवान रे गुरु, जरे कबीरदास जी देखे ने रोया भगवान की ओर, कबीर रोवे की करे, मौत डरे थुई थू तो दुनिया ने हम जावे, कबीर दास जी के मुंह मौत नहीं डरू, मगर मैं गुरु को बेटे सत्संग नहीं है, ये मृत्यु लोक के अंदर ये वहां पे संतो ये वहां पे नहीं है, इसके लिए परमात्मा भी यहाँ पे सुनने के लिए यहाँ पे आता मृत्यु लोक में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरो पारा, रामायण ने मैंने स्वपैर में आप रामायण उत्तीर्ण देख लो तो कल्याण कट लिखो है, कलयुग केवल नाम आधारा सिमुर सुमिर भव उतरो पारा, मतलब ईश्वर सुमिरन करेने है जो को भव सागर थी पार वाला, ये सुमिरन ये कलयुग के अंदर केवल एक नाम ही एक आधार है, इससे अपनी नैया पार हो जाती है, ऐसा ईश्वर का गुणगान। एक बार अगर कोई आदमी रे जो गलत आदमी कोई तो भी गलत चीज रोक सेवन करे या कोई नहीं प्रकार की लत वे तो वर्णे बाद लत एक बड़ा दो बड़ा तीन बड़ा लत लागो रे बादरे में पछ वो नहीं रेवे जाए, तो अपने तो अच्छी लत लगावनी है, अपने गलत तो लगावनी नहीं है, अपने तो हरिरो सुमिरन अपरो जिंदगी अपरो जो संसारिक जीवन रो है वो जीवन व्यतीत की द्वारा बाद रे मैंने अभी थोड़ी क्षणिक समय निकाले ने ईश्वर भगवान रो भजन करो, पहला नहीं की तो कोई बात नहीं मगर अबे करना बहुत अनिवार्य है, यानी अर्थात तीन अवस्था मान्य ऊपर ये जो जिंदगी वैसे तो चार है मगर अगर तीन अवस्था शॉर्टकट रे मैंने बताया मतलब बचपन और यौवन और बुढ़ापो देसी भाषा रे मैंने ऊपर है, बचपन में नहीं बजियो कोई बात नहीं समय निकल गो, रामा थारे नामरी मोड़ी पड़ी पहचान, के दिन बीता बाल पड़े ने के दिन बीता अनजान है, हे भगवान आपने नौमरी मने मोड़ी घणी पहचान पड़ी, शेत सके तो शेत बंदा घंटी लाली बाजी अगर है जो शेतन वे जो तो है जो मतलब तुरंत पोसे थे पते पोटियों के माने पोरो दे, अर्थात बचपन में भक्ति करे एक नौम ले हजार नौम उगे, वरना ध्यान देना संतो ये शब्द महापुरुषों ने बताया हुआ है कि बचपन में अगर भगवान की भक्ति अगर करे
अन्नो मतलब वो नहीं है कि वो धड़ा वस्त्र पहने या पीला वस्त्र पहने कि भगमा पहने कि मोटा बाल लता इन्हें काली जापो भजन में उकी हुए भक्ति के अंदर ईश्वर से प्रीत करो। अगर बचपन में मैंने भक्ति एक बड़ा एक नाम ले हजार नाम उगे, किशोर अवस्था माने एक नाम ले 500 उगे। देखो मीटर डाउन वेरी हो, मीटर डाउन वेरी हो, ध्यान रख लो छड़े नहीं है। और वृद्ध अवस्था माने एक नाम ले, तेरे मुश्किल कटी जाते हो, वो ही उगे तो उगे, नहीं उगे ही को नहीं किया मुड़ा मु दौर पर जाए राम राम पछा तो वह तो मरता गुगु धीरे गीत गावे। भावना से नहीं करते हो क्यों? बचपन गियो ब्रो जवानी टला देती गीपरी, अबे बुढ़ा पो आयो, अबे बुढ़ा पर मैं बीजो कौम धंधो ही कहूंगा, वही कौम है बीजो कौम तो वे को नहीं गोडा हाले को नहीं अधि कम वे केणो ही कोई करे को नहीं बात मौन माने कोई तैयार को नहीं। ये तो दुनिया का दस्तूर है संतो, ये किसी के घर की बात नहीं है, ये पर्सनल या प्राइवेट किसी की बात नहीं है, ये संसार की बात है। महापुरुष बताइए पसे तो अजो को गोटा थक जाए पसे अजो को बैठो 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 अजो को मौत ने मोगे राम 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 घने के जो आवे तो मरा 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 क्यों को होट जीव ने हसकी हैंग भिड़ा परावे जाए जने मिलवा नहीं जाए जने के अरे भाई फलाना आयो कहो मंगला जी आया कहो आयो बा तो के मारी सीटी कटियो गिरे भाई बैठू वे तो कटी मारी सीटी तो हार करवा रो कहनी मौत मोगे बैठो बैठो वो हरि का नाम सुमिर धाम सुख धाम जगत में जीवना तो भक्ति का लावा ले लो संत परमार्थ का ऐसी बोलो सियावर राम संत भगवान तो भक्ति एक खंडारी धार है। अन रस्ता रे माते हाले मन में भीड़ हमुदी नहीं वे रत्ती भरी नहीं वे आराम ती हाल सको आप, ये वो फायदा है आपने। अगर भक्ति और सच्चाई के रास्ते पे चलोगे वहां पे भीड़ बिल्कुल नहीं है, बटे बहुत गिणिया सुणिया मळे कोई ऊपर जड़े मळे भगत है क्यों कि वहां बिजुड़ी लैंड ज्यादा मोटी आले हैं गुटी वाले हैं कान लगा रे माया सके ए माया है जगी ठगणी आने कोई नहीं जानो अपनी माया से मुकड़ा मोड़ो हरि से नाता जोड़ो। अवन पवन री घोड़ी पवन घोड़ी रे पांच वचेरा पांचारी भगम रोड तेरा क्या लगेला मोल आ वण घोड़ी रे वण रेश मने हंग पर जाए तो अण मने इस रास्ते पे चलोगे तो भीड़ बिल्कुल नहीं, आराम से आप पहुंच जाओगे वहां पे हरि के दर्शन करने के लिए। ऐसा होता है आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। एक बार ये बूटी पी ली वो कभी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, पक्का 1001% ये तसल्ली के साथ कहता हूं संतो। वो रंग सड़े दोरो है और जो सड़गो तो हम संसार में रंग ने उतार नहीं, कोई संसार में दुनिया में कोई मायरो लाल पैदा नहीं हुआ। मेरा भाई उतरियो कहो रोण जी लारे पड़िया नहीं उतरियो, रावण माल जी रूपा दे रानी ने लारे पड़िया उतरियो कहे नहीं उतरियो, कबीर दास जी उतरियो कौन नहीं उतरियो, रविदास जी उतरियो कौन नहीं उतरियो, राजा राम जी बासी रहे उतरियो कौन रंग नहीं उतरियो, संत कहते सदा अनेक मतलब जिन्नी कोई सीमा नहीं ऐसा ऐसा। तो अगर अपर जिंदगी रो जीवन ने सवार नो संतो तो महापुरुष का खजाना, अगर लूटने की शौक है तो किसी महापुरुष का जीवन लूटो, अगर खोने का अगर कुछ पाने का शौक है तो किसी महापुरुष का खजाना करो, वो खजाना कभी खत्म नहीं हुए वो आजीवन है। महापुरुष की जीवनी आरमाई ने अपनी जवाब ने देखो ला तो अपनी जीवनी भी सुधर जाएगा। तो राजा भरत री दी बेन मेणावत बने बेटो गोपीसन पीढ़ी दर पीढ़ी पीर हुआ देखो थे है?
केवे भक्त बीज पलटे नहीं झुक जावो अनंत ऊंच नीच घर अवतरे तो रिवे संत को संत है। सत्संग के अंदर संतो ये सब चीजें बहुत ही अच्छी माँ पुष्कर ने बताई हुई है, ये चीजों अपन ग्रहण करवा लायक रही है। भजन हो सब ठीक है, अच्छी बात है, मगर इसके अंदर मक्खन यही है। मक्खन खाओ, सास को छोड़ दो आप, माकन माकन खाई गयो लारे ने की छासट ली, ऐसा है। तो राजा गोपी सुंदरी माता कोई के Thank you.
आज घड़ियो तो शब्द है अपन ने शब्द पकड़ना है क्यों कहना शब्द बहुत ही राजा गोपी चंद्र माता का शब्द है ऐसी माता दुनिया में कोई नहीं वेला We'll be right back.
दिलीप कुमार, रमेश भाई जाट, जय होसा, धन्य होसा रमेश भाई, समोसा रमेश भाई, मुड़बार कल्याण नियर मुड़बार। धीमी गति में मैं लीदो, अगर फास्ट में लऊं तो वण गेतोड़ सुरा रे गेतोड़ मैंने राग रे गेतोड़ मैंने शब्द है खेवदार में पा जाई, और ये शब्द बहुत ही अमूलक शब्द है अण वास्ते। धीमी गति में मैंने मैं लीदो ताकि मतलब हुणवा वाले ने शब्द एक एक समझ में आ जाए, क्योंकि राजा भरत री री मेन मेणावर देखो कैसा है, पीढ़ी दर पीढ़ी भाई हुआ तो एड़ो हुआ राजा भरतरी, आगे आगे दानी विने ऐसा विने सूट का गढ़ किला धन धान छोड़ने तिनक ना जीव टूट का अपने, अगर एक साइकिल छोड़े जावर की वह तपाव नहीं छोड़ी दे क्यों वे नाना के मार साइकिल लॉक को नहीं कट को लेने पा जाए ला जावा दो माउनी जब ये थोर कॉम्बे तो थे जोपरा अपो एक साइकिल नहीं छोड़ सको और वो गढ़ किला उजड़ी रात छोड़ने है जो परिवार छोड़ने, मगर गुरु की उपदेश लगे उनके गुरु गोरखनाथ जी रा है? तो वुणरा बेन मेणावत वुणरे बेटो गोपीसन अर्थात राजा भरतरी रो भोणजो, कोई कहे आपरे बेटा ने, हे बेटा तेरी माता कहे गोपीसंदा तू सोड़ राजरा फंदा, ए बेटा अन राजपाटरे मैंने कोई धरियो नहीं है। बहुत अच्छी बात है भक्तों, ये सुनने के लायक है, आप ध्यान से सुनना, भले समय जाए कोई बात नहीं, अपर सत्संग करनी है खेवटो नहीं उड़ावनो, ग्रहण करना है अपने को, इस भजन के अंदर अपने को बहुत कुछ सीख मिलती है। तेरी माता कहे गोपी संदा तू सोड़ राजरा फंदा, ए बेटा अन राज पाड़रा, दुनिया के अंदर संतो ऐसी माता बहुत कम होगी, कम ही नहीं, नहीं के बराबर है। कोई मां यू नहीं के आपने बेटा ने के तू भक्ति कर, अगर श्याप वर्धन हाथे लक्ष्मण जी हरिकर हाथे अगर हाथे हाथे भजन बोलवाने पो गियो नहीं कोई सोर मोटिया तो कहने लक्ष्मण जी रोंगो कि तो पजावा दे जो वो है भजन तबले कुर तो फोरी कटी, संसार है रामदेव जी बाबा ने नहीं छोड़िया दुनिया तो अपन को छोड़े है, त्रिलोकी ना देता क्या वो तो कॉमड़ी हो नहीं क्यों पोंगलगढ़ वाले पढ़िया नहीं क्यों बात को कोई बात नहीं। तो ऐसी माता बहुत कम है जो मतलब बढ़ने है जो राजपाट छोड़े ने कह तू भक्ति रो रस्तो पकड़, क्यों क्योंकि वर्णो भाई भरतरी अन भक्ति रे रस्ता माते हालियो और वर्ण भक्ति मने कोई अनुभव मिलियो जो वा बेन अच्छो अनुभव कर दियो मने के अने जीवन सुधार दियो, तो क्यों नहीं है जो को मारे बेटा नहीं है जो को अगर एना रस्ते लगा दू ताकि अनो जीवन सुधर जाए। तेरी माता कहे गोपी संदा तू सोड़ राजरा फंदा, ए बेटा ये राजपाट रा कोई मतलब नहीं है, तेरे पिता बंगाड़ा रा राजा आज जो आज बंगाल कौन है अभी है,
तेरे पिता बंगाल राजा वारे नौखंड वाजता बाजा, वे बारे निकलता नहीं। जेरे चारों तरफ राजा बाजता जाए ठा पड़ तो भाई आज काना नगर बाजे तो आज राजा बारे घूमन जा रिया। ऐसी गुणों की हालती तेरे पिता बंगाल राजा वारे नौखंड वाजता बाजा, वे नर गया विदाई जारी कोई खोज खबर नहीं। ए बेटा वे गया कीट दिशा ने गया आज अंदर पतो को नहीं, थारे दादा परदादा बीजा सब पूर्वज अटे अण सिंहासन माते राज करता। वणोरी वही विदाई वणोरी कोई खोज खबर नहीं आई। ए बेटा आज दिन तक बने आई ने कदी पूछियो अपने के थोड़े की करे है? हीरा राम जी जय हो सा, प्रेम जी चौधरी धन्य हो सा। तेरे पिता बंगाड़ा राजा जाने नवखंड वाजता वाजा, वारी हुई विदाई तो कोई खोज खबर नहीं आई। ए बेटा अड़ में कोई सार नहीं है, छोड़ दे तू। अगर नहीं समझ तो मैं तो वीर बताऊं तने लंकापति रावण राई है, लंकापति रावण राई वारी सारों तरफ फरती दुआई, नवगरे ढोलिया पैरों देता बन अत्री बनी हालती। लंकापति रावण राई वारे सारों तरफ हालती दुआई, बने काल परो गिटकाई बनी लंका विभीषण पाई। ए बेटा अन रस्ता माते हले तो बल्ले बल्ले है और ओ रस्तो पकड़ियो तो रोण वाली दिशा है। नहीं माया मिले नहीं राम मिले, कुछ भी नहीं मिले। माया भी गई न राम भी गियो और विभीषण भक्ति की दी वर्णो भाई रावण रो भाई विभीषण राज तिलक गियो। सत मत छोड़ो साहिबा सत छोड़िया पत जाए, सत की बादी लक्ष्मी फिर मिलेला आए। ऐसी माता है तो कहने काटते सजनो के आपरे संतान ने हमेशा संस्कार दो अच्छे, शिक्षा के वास्ते आप स्कूल कॉलेज भेजो मगर संस्कार अपने घर में, संस्कार बाहर के काम नहीं आएगा, संस्कार ऊपर घर में नहीं मिलेगा और गण संस्कार ही बड़ी जिंदगी रे मैंने वे कौम आवे। स्कूल कॉलेज रे मैंने आज रे जमाना रहते कदमों कदम मिलाई ने हलवार वास्ते मैंने शिक्षा देवर वास्ते बहुत भेजना जरूरी है। अगर बटे नहीं भेजोला तो बने जीवनी अधूरो रह जाएगा क्योंकि वो कदम कदम मिलाने नहीं आ सके संसार रहते, मगर संस्कार अपने घर के चाहिए। पुत्र सपूत क्यों धन संचय, पुत्र को सरस्वती दे दो लक्ष्मी देने की जरूरत नहीं। पुत सपूत है तो भने धन हिसे राखवारी जरूरत को नहीं, धन भेड़ो करवारी जरूरत को नहीं है। भने सपूत है वो अपने आप कमाए दी, भने सरस्वती दे दो वो लक्ष्मी अपने आप ले आई, उसके पास हुनर आ जाएगा, वो कमा के सब कुछ करेगा, इस दुनिया से मुकाबला करेगा। और कपूत है तो भने तेज बने है जो को करोड़ों रुपया कमाने में लो, पापा ने बहुत कमाया है अपने को क्या है, अपने तो मौज है बस, अपने को तो बस भाई पापा ने कमाया ना उड़ाया। जय राम दीदी हिता समझौरा हिडा आवे संतो, मटकी में पानी भरी ने मिलो एक एक गिलास भरी ना पी पियो वाग मटकी खाली हो जाए वेग नहीं वे, क्योंकि हिता वे तो संतान को हमेशा संस्कार अच्छे दो। फसलें खराब हो जाती है जहां पे बारिश नहीं होती है और नस्लें खराब हो जाती है जिसके घर में संस्कार नहीं होते। ध्यान से सुनो, नस्लें खराब हो जाती है जिसके घर के संस्कार नहीं होते। बच्चों को संस्कार दो, जैसी देखत वैसी सीखत, सबसे पहला वड़न हिकावर पहला अपने उधरना पड़ेला, क्योंकि को जो बच्चा करेला नहीं अपन देखे ने वे अपी की करो जो अपने बच्चा करेला देखत सीखत। तेरी माता कहे गोपी संदा तू सोड़ राजरा फंदा, माँ की गुड़ लिपटाणी और धर से जान गमाणी। ए बेटा माँ की वे और बने जो मतलब मिटारे लाल से मैंने पोंकड़ा लपटाई ने पग लपटाई ने जो को बैठ जाए उड़वारा सोसा आवे और वा उड़ नहीं सके गुड़ मेले, माँ की गुड़ लिपटाणी वा धर से जान गमाणी। जो दीपक पड़े पतंगा जो माया राय फंदा, जो दीपक है वो बने अच्छी तरह ध्योने का आगे क्योंकि वो बार बार बने पड़ जाए
હું કોઈ પહેલી વાર તો જાતો કોની જાય જાય ને પાછો વણમે જાય ને આપણી જાય જાય ને પાછો આપણે આપણે જાય મને ગરમી તો લાગી છે મગર ઉસ દીપક સે ઉસકા મોહ ઉસકા હો જાતા હૈ કે વો બાર બાર વણને મે જાય જાય ને ઓર આખિર મે વણને જાય ને જમણે મે જાય ને વો ખતમ હો જાય જીવ દીપક પડે પતંગા જીવ માયારા વણી પ્રકાર આ માયારો ફંદો હૈ અપન અચિત્ર દ્યો ને ગયા મગર ફિર ભી अभी संसार है तेरी माता का एक गोपी संदा तू सोड़ राजरा फंदा अबे अपने सत्संग समापन हो टाइम लेकिन एक भजन अबे भोंडा को हुनाए हुए तो मामा रो भी हुना दू है क्यों विषय भोंडा वाले रही हुए Thank you.
तो भाई
पटेल कणकड़ी गुजरात धन्य होता कटू कटू है देखो भक्तगण है सुनाराम जी जय होता धन्य हो सुरेश भाई पटेल मेवा भाई पटेल कल भी गुजरात को धन्य हो भक्तानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या किसान अपनी भक्त मंडली महारा मैया पूरी जुड़ा है धन्य होता धन्य हो भक्तों तो सुनिए मैंने आप लोग अभिनंदन भक्त मंडली आप लोग स्वागत करे धन्य हो सको धन्य हो राजा भरत हैं थारो मर्जो गोरख नाथ पियू भरमाया राजा भरत 17 साल रो ब्याह 18वीं साल रे मैंने जोग ले लियो 1 साल गर्भवास रियो शिकार ने किया जन कैमरा मैंने जो को मतलब शिकार ने किया तो बड़े पहला ना तो के उत्तर दिशा ने नहीं जानो जन टाइम जोशी जी राजा भरत जन्म हुआ तेरे अपन शास्त्र बुलावानी के भाई क्या नक्षत्र में जन्म गुड़ो की करे कोई है जो पोती पांदड़ा भाड़ो महाराज ने बुलाया देने जो मैंने क्यों के भाई दौड़ी देवली देखी जे मैंने अर्थात दौड़ी देवली देखी जे मैंने बाकी दौड़ी धजा देखी जी रही बाकी कुछ नहीं देखी जे राजा भरतरी री मां समझ गई तो कहू उपाय तो कहू उपाय एक ही जे हुबर घोड़ी माते नहीं छड़नो जे उपर दिशा घोड़ी चढ़े तो उत्तर दिशा ने शिकार नहीं जानो जे उत्तर दिशा शिकार जाए तो काला मिर्गा रे घाव नहीं गालो जे काला मिर्गा रे अगर घाव गाले तो गुरु गोरखनाथ जी धोड़े नहीं जानो ये अतरी चीजों अगर पालन पो करे तो राजा भरतरी जोगी नहीं वे ने 16 साल में ब्याह वेला 17वीं साल में राजा भरतरी जोगी बनेला अर्थात संत बनेला जोगी अर्थ है मतलब ये नहीं वो जोगी वो भिक्षा मांगने वाला वे नहीं परमात्रा मगर होनी ने कौन टाल सके और राजा भरतरी री मां बने जो ब्याह हो रहा बाद में क्यों कि अतरा दिन तो मैं हाजर राखी प्री ने अबे बेटा थने राखना राजा भरतरी री रानी ने पिंगला ने क्यों कि अबे थने हाजर राखनी है कोई भी हालत में भरतरी ने शिकार खिलवाने नहीं जा देना मगर राजा जोगी अग्नि जल जारी उल्टी रीत
डरता रहे कि फर्श राम जी थोड़े पाड़े प्रीत अणोरी उल्टी गणी थे। राजा जोगी अग्नि और जल ए जिद्दी व्या करे। राजा ने कहा क्यों नहीं जानो तो बुटियो पहले जाए और जोगी संतरो भी वही जानो है अग्नि रो जो बुजुर्ग जो जो ज्यादा तेज हुई और जल तो अपरम पार है सत्यशहरी सिंहशहरी वाड है जो आपने ध्यानी जे तो हट कर ने राजा भरत रही शिकार खेलवाने गया। काला मिर्गा रे घाव गाल दिया शॉर्ट एंड स्वीट एकदम डायरेक्ट आपने कहूं और काला मिर्गा रे गुरु गोरखनाथ जी धुना मत लेने गया और लेने गया और वन टाइम रे मैंने है जो को मतलब राजा गोरखनाथ जी महाराज है जो को वो छिड़काव दे दियो पानी रो और क्यों के जा वंद्रा प्राणी अटे कोई करे संजीव ने मैंने कूद ने गियो पो राजा भरत रही शबद्री लगेगी के अभी राम उन अभी झूडो हे जो को महाराज पाए करामाते महाराज रे जो बस कह दियो कि आप मुझे शिष्य बना दो। लाख कोशिश बाद रे में भी हम जाए बाद में राजा नहीं समझियो और लाखिर में फंसे जो वो भी तो राजा तो वो भी हटिलो तो मगर बड़े क्यों ऐडी चीज कहो जब वो नहीं तो करे ने नहीं वे तो के कोई तो के मैं थाने भिक्षा दूं माड़ा मंत्र दूं मगर एक काम थाने करना पड़ी कोई के थारी रानी ने माँ की ने भिक्षा लेने आवनो करूं भगमा पेरे ने राजा भरतरी की बाहर जाऊं राजा भरतरी भगमा पेरे ने जो को मतलब आपरे घरे जाए ने रानी पिंगला ने जो को के माँ भिक्षा दे संतो खाने का काम नहीं अपनी धर्म पत्नी को माँ के ने भिक्षा लेने आवनो वस्त्री बात नहीं है थारो मर्जो गोरखनाथ पियो भरमाया मारो राजन बिछड़ियो जाए कल्प रही काया हे राजन मारी काया कल्पे रही है एक साल गर्भवास रही हो मारे गुरु राजा भरतरी के रानी मत दे गुरु ने गाल अमर कर देला भिक्षा दे पिंगला माए संत दे इला तो ऐसी महापुरुषों की जीवनी है। अभी यहां पर 9 बज गया सत्संग रो राजा भरतरी को समय निकल गयो कोई बात नहीं मगर ऐसी समय निकल नहीं है बहुत अच्छो समय करो है जो मतलब आवारी आपने में कियो के महापुरुषों की जीवनी के अंदर झांक के देखो अपना जीवन धन्य हो जाएगा संतो तो ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन के अंदर अपन झांक के देखेंगे ने तो अपना जीवन भी सार्थक हो जाता है अपने को सीख मिलती है। कहने का ये नहीं है कि राजा भरतरी जो आप जो भी वो मगर वे भक्ति ना रास्ता माते हालिया जरे बनो रही है जो को नैया पार वेगी तो आप ही ऊपर घरे बैठा भी भक्ति करो ने भी ऊपर ये जो जीवन साथ कर सको है तो हमें ऊपर समय पूरी सत्संग नियम रे हिसाब को वेगी अबे ऊपर जो को आरती कर दो क्यों अबे आप लोग भी कीमती समय I'm
Yeah.
ओ बोकु ना दे दियो, कोई बात नहीं, आरती पूरी वेगी, लास्ट रही है। हरी रे शरणों में भाटी हरजी बोले, मने शरणों में राखो। अबे अपर को टाइम धगे भी वधे बाकी, ओ बराबर अने वो बराबर हाजर राखे के फोटो बराबर मिलतो जे ज वतो जण जाने भोकु है भाई। मैं अने ऊपर हारे को नहीं हो, वो अने मन में जो करे होय अने कॉल भी दोड़ो वो के मुहाड़ी ने वरी पर बाद में मुनी बिल्कुल है जो थोड़ा हाथ नहीं दो। मैं भाई ठीक है थोड़ी इच्छा तो ऐसी हसन तो भक्त अपो राम रस मैंने क्यों के गहराई में डूब जाओ तेरे पता हालियो जाए हालियो जाए हालियो जाए। ऐसा आनंद आता है जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाते अंदर गहराई में वैसा वैसा ठंडा शीतल जल मिलता है, वैसी भक्ति भाव में विभोर हो जाते समस्त भक्त गण और अपन सब जने अपनी भक्त मंडली। तो भाव विभोर है इतनी गहराई के अंदर भक्ति के अंदर डूब जाते हैं सब आनंद ही आनंद। ये भक्ति का नशा काले सोमरा 6 बजे तक ही है जब वो नशो नहीं उतरे वो भक्ति भाव, ये इसको कहते हैं भक्ति। बहुत ही खुशी की बात है समस्त भक्त गण आप समस्त सब जना सत्संग में पधारो, मारो हृदय गदगद है। आपनो सहयोग और आपनो सपोर्ट भरपूर मिले रही हो अपेक्षा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपने माता पिता ने, मारे पड़े शब्द नहीं है कि मैं आपनो किकर शुक्रिया अदा करूं। मैं तो कोई नहीं है, मुझे ठाए माते बैठे बैठे से यार भजन बोलूं, बाकी मारे पड़े तो कुछ भी नहीं, मगर ये सब आप ही की भक्तों की कृपा है। ये सब फूल आपके परमात्मा के फूल भक्त और भगवान बरसा रहे हैं, ऐसी सत्संग की महिमा आपकी समस्त भक्त गणों की सहयोग हुए देखो ओ कौम वेरियो धन्य हो संतो भाव विभोर अपेक्षा हूं। कई हजारों गुणा मने देखो अच्छो देखो मतलब आप रो सहयोग मिली रही है और भगवान करे आप सत्संग दिन दुगना रात चौगुनी बढ़े और हरि रो गुण गवो और ज्यादा में ज्यादा भक्त गण अन सत्संग रो है देखो सत्संग गंगा गोमती रमय ने डुबकी लगावो और ये जो को धन्य हो जाओ सब ये जो को हरि की नाम सुमिर सुख धाम भगवान को सुमिरण जय हो धन्य हो सा धन्य। प्रकाश भाई आपरो प्रसाद मिलियो लाडू है मुझे भक्ति भावरा सबनी है देखो बैठ दो भगवान ने भोग लगा दो ठाकुर जी ने बाबा रोमसा पीर ने और बस एक एक लाडू है मुझे दे दो धन्य हो सा धन्य हो। कैसे मतलब अपने भक्तों की जो एक 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 उनका जो कमेंट और एक मतलब जैसे कि हम बैठा बैठा ऊपर आते हैं देखो मतलब ये कर दिया। अबे बोल सियावर राम चंद्र भगवान की जय हो, अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय हो, सब संता की जय हो, धरती मात की जय हो, गौ मात की जय हो, बोलो राजेश्वर भगवान की जय हो, बोलो शैंडा धाम आंजनी मात की जय हो, बोलो खेतेश्वर महाराज की जय हो, बोलो तेजाजी महाराज की जय हो, बोलो सब संता की जय हो, बोलो भक्त भगवान की जय हो, बोलो रे बेलिया अमृत वाणी हर हर महादेव बम्बोली। अबे मैं हमारी वाणी ने विराम दूं पुनः मारू एक बार आपने परिचय तो हमें आपने करवानी जरूरत को नहीं है, मगर नया कोई भक्त गण है जो को वे तो उन्होंने ये परिचय दे दो या जो भी देखे वीडियो क्लिप तो उन्होंने भी के भाई परिचय भेजा है इन वास्ते है जो को बाकी हमें ऑफर तो परिचय अतरो भिगो अतरो भिगो है के मारे तो नाम अगर खाली स्क्रीन मात्र नाम देखोगे तो बस स्माइल आ जाए मारे मुंडे माते एकदम। आप देखो जो कतरो एकदम मतलब अपन एक उत्साहिक वे भक्तों सिर्फ नाम देख तो मैंने एकदम मतलब है देखो वो कहा ए मोहन भाई है ए फलौन भाई है ए किचन भाई है ए खिम जी भाई है ए भागवत जी भाई है ए रमेश भाई है ऐसे भक्तगण सब और बहुत अनेक भक्तगण है
जो खाली वो नाम देखते फटाक देते मारे जन जन को भले मैं आप शहरों नहीं देखियो बाकी मैंने एडो अनुभव है जो आप हम समक्ष आई गया ने ना भाई ये तो मैं मारे भाई है जो को अनंत मु जानू छु ये तो मारे बुआर बेटे भाई है धन्य हो ने ना धन्य हो धन्य हो साधुवाद ऐसे हमको बहुत अच्छा अनुभव होता है। अनुभव कहने करते मुझे मैंने बहुत अच्छो लगे यो मतलब साधुवाद ऐसे होते उसमें। तो अभी मारो पुणे पासो एक बार पीछे लक्ष्मण राम सनो गणेश जी मारे पिताजी नाम है बोका मारी गोत्र है गांव कमुकाबाड़ा नियर समदड़ी तालुका समदड़ी लागे मारे जिलो बाड़मेर है वर्तमान नवी मुंबई में पनवेल शू लक्ष्मण राम पटेल फेसबुक लाइव अपो सत्संग पेज में तू सब जना भक्तगण मिले ने अपी भगवान रा हरिगुण गाओ परमात्मा रो और अबे मारी वाणी ने विराम दूं कोई भूल चूक हुई वे तो नादान बालक हमज ने मने माफ कर देजो अभी कोई गायक नहीं गवे नहीं कोई अभी तो ईश्वर बस भक्त हो बस अपने तो ईश्वर का नाम बस रूम रूम में रमापति लिख दो मारे रूम रूम में राम राम हो रमापति। तो ऐसा है भक्तों अपना अनुभव। तो अभी देखो मैं मारी वाणी ने विराम दूँ और समस्त भक्तगण काले 6:30 बजे अपरे भगवान ईश्वर करे तो पासी है जो पुनः अपरी पासी भेट वेला। अबे ये जो को आप भी पधारो भोजन प्रसाद तैयार हुए वेला आप भी भोजन प्रसाद लो और मैं भी ये जो को बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।